डोकलाम विवाद पर भारत और चीन एक बार फिर से आमने सामने आते दिख रहे हैं। एक बार फिर से भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि डोकलाम पर चीन की किसी भी पैंतरेबाजी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट अभय कुमार ने कहा कि डोकलाम में चीन की किसी भी चालबाजी का माकूल जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभय कुमार ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ है। अभय कुमार से जब ये पूछा गया कि चीन एक बार फिर से डोकलाम में अपनी सेना भेज रहा है जहां पर पहले भारत चीन की सेना आपस में भिड़ी थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम इस तरह की किसी भी पैतरेबाजी का माकूल जवाब देंगे। तकरीबन दो महीने पहले दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच काफी तनातनी हो गई थी जब चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया था। इस सड़क निर्माण पर भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसके निर्माण के बाद चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भारत से संपर्क को रोक देगा। काफी लंबे वक्त तक चले टकराव का अंत सितंबर माह में हुआ था। दोनों देश अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हुए थे जिसके बाद ये विवाद खत्म हुआ था। लेकिन एक बार फिर से रिपोर्ट आई है कि चीन अपनी सेना को यहाँ भेज रहा है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के मौके पर ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा ने कहा कि भारतीय सेना का मनोबल काफी ऊंचा है और वो किसी भी तरह की पैतरेबाजी का सामना सख्ती से करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी अगर चालबाजी करेगा तो उसे उसका बेहतर जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि 16 जून को डोकलाम चर्चा का केंद्र बना था जब चीन ने यहां अपनी सेना के जरिए सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया था। 73 दिन तक चले इस विवाद को दोनों देशों ने सुलझा लिया था, लेकिन एक बार फिर से ये खबरें आई हैं कि चीन यहां अपनी सेना भेज रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से डोकलाम चर्चा में आ गया है। इंडिलिंक्स।